पिछले दिनों अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय एक मारुति वैन में आग लग गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद से लगातार जबलपुर पुलिस अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में कल घमापुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को ऑटो में अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया। घमापुर थाना प्रभारी चंद्रकांत झा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद आनंद चौधरी को अवैध रूप से ऑटो में गैस भरते हुए पकड़ा गया। गैस भरने का तरीका इतना अमानक था कि आसपास के क्षेत्र में भी LPG की गंध भरी हुई थी। कल रात्रि में मैं इलाका भ्रमण पर था, जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रामहरक के बगीचे में सुलभ कॉम्प्लेक्स के बाजू में कोई व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर से अपने ऑटो में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग कर रहा है। जो सूचना की तस्दीकी वास्ते चीता में लगे आरक्षक प्रदीप और देवेंद्र को जरिए सेट के बुला के मौके पे बताए गए मुखबिर के स्थान पे पहुंचा, जहां तत्काल देखा तो एक व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर से अपने ऑटो में सटक द्वारा नोजल से गैस भर रहा था, जिससे उक्त घटना के संबंध में और इसमें गैस भरने के संबंध में पूछताछ की गई, जो कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाया एवं जिससे एक आम सार्वजनिक स्थान पे होने से और संकट उत्पन्न होने की स्थिति में मौके पे समक्ष गवाहनों के जो गवाह मौके पे थे उनके विधिवत तरीके से सिलेंडर को जब्त किया गया और जिस ऑटो में भर रहा था बजाज कंपनी का मैक्सिमा ऑटो MP20R 7716 उसको भी मौके पर जब्त किया गया एवं सभी सामग्री को हमारा स्टाफ आरोपी के थाना लाया गया। आरोपी कौन था, ये पहले से भी क्या गैस रिफिलिंग का काम करता था? अभी इसमें पूछताछ जारी है। आरोपी का जो अभी रिकॉर्ड सर्च किए जा रहे हैं, उसका नाम आनंद चौधरी है, पिता का नाम इसका स्वर्गीय सोमनाथ चौधरी, 38 साल का है ये, ठक्कर ग्राम हनुमानताल का रहने वाला है तथा अपना ऑटो चलाता है ये।